जब आप बाएं छिद्र को बंद करके दाईं नाक से गहरी गहरी श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, धीमी और लंबी श्वसन होना चाहिए। जितने धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता लंबी श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इतने कि बाजू वाले तक आवाज ना पहुंचने पाए, इतने धीमी और गहरी श्वास होना चाहिए, तब सूर्य वेदन प्राणायाम आपको सिद्ध होता है। चंद्रवेदन और सूर्यवेदन प्राणायाम में फोर्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लो इन एंड आउट, स्लो इन, डीप एंड आउट। बाएं हाथ दाई कोहनी के नीचे मुद्रा बनी हुई, फिर बाएं छिद्र आपका बंद, दाई नासिका आपकी खुली हुई, गहरी श्वास लें और छोड़ें, और लें और छोड़ें। धीरे धीरे आपके रक्त की शराएं भी खुलना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप दाईं नाक से गहरी गहरी श्वासें आप लेते हैं छोड़ते हैं, तो सबसे पहली बात वात रोग यानी जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है। यदि हृदय में कोई कॉर्नरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम यदि आपको हो रहे हैं, उस कॉर्नरी को क्लीन करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। वजन बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ वजन अभिशाप न बन जाए। वजन बढ़ा, सौंदर्य खत्म। कितने मेकअप कर लें आप, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका वजन आपकी पूरी ब्यूटी खत्म कर रहा है, सौंदर्य खत्म कर रहा है। तो जब आप सूर्यवेदन प्राणायाम करते हैं, तो सूर्यवेदन प्राणायाम करने से आपके जो कोशिकाओं में जमा हुआ फैट है, उस फैट को डिसॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए प्राणायाम चमत्कारी है। यदि सूर्यवेदन प्राणायाम 20 बार से लेकर 40 बार तक, 50 बार तक आप करते हैं, तो निश्चित आपके वजन में कमी आती है, आती है, आती है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। प्राणायाम में आप बिल्कुल जल्दबाजी ना मचाएं। एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम में जाने के लिए आपको थोड़ा अंतर होना चाहिए। जब तक फेफड़ों को आराम नहीं मिलता है, तब तक दूसरा प्राणायाम आप शुरू ना करें। जिस दाएं स्वर से आप श्वास लेते छोड़ते हैं, उसे कहते हैं सूर्यवेदन प्राणायाम। और जब आप बाएं नाक से श्वास लेते हैं छोड़ते, उसे कहते हैं चंद्रवेदन प्राणायाम। शरीर में एनर्जी पैदा करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम। यदि आप किसी शुभ कार्य में जाने वाले हो, यदि आप परीक्षा देने जाने वाले हो, आपके कहीं इंटरव्यू है, कहीं एग्जाम यदि आपका है, यदि उस दौरान आप सूर्यवेदन प्राणायाम करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी होगी, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स में जब ऑक्सीजन पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है, तो ब्रेन की तमाम पेशियां और कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सूर्यवेदन प्राणायाम की क्रिया चमत्कारी है। इसे 20 बार से लेकर 30 बार, 40 बार, 50 बार तक कर सकते हैं।